नाउ एक बार हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना, तो हम जो हमने पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम इसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं. लाइक हमने कहा था कि ए डी इज इक्वल टू सी बी, दैट इज द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अभी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो फिर ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, क्योंकि ये सी पी सी टी से इक्वल होंगी. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो ए डी विल बी इक्वल टू सी बी बिकॉज द ट्राइंगल्स वेर कॉन्ग्रुएंट. ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी सिमिलरली, क्योंकि ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये, तो इसलिए ये भी इक्वल हो जाएंगे. देन जो एंगल हमने कहा था ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो फिर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी अगेन बाय सी पी सी टी, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो एंगल्स हैं चाहे वो साइड्स हैं, वो इक्वल होनी चाहिए. सो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. सो इन दिस मैनर बाय प्रूविंग देम द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वी कैन प्रूव दैट द साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. So we can say in a parallelogram two opposite sides are equal and in a parallelogram two opposite angles are equal. ये हमने पहले भी किया था, but अभी हमने इसको prove कर लिया. Excuse me, ma'am. हाँ जी sir. एक और learner है जानवी महाराष्ट्र से. हाँ जी. वो पूछ रहे if parallelogram is trapezium, then can we write it under trapezium? No, we cannot write call a parallelogram a trapezium because ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन, ओके वी कैन से एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, बट वी कैन नॉट कॉल एवरी ट्रेपेजियम अ पैरेललोग्राम. जहाँ तक बात है लिखने की, तो हम लिखते नहीं हैं क्योंकि उससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो हम इसलिए ट्रेपेजियम को ट्रेपेजियम ही लिखते हैं और पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम ही लिखते हैं. बट अगर प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं, तो क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो ट्रेपेजियम की जो कंडीशन है कि एक पैर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम. हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम का एक स्पेशल केस है, बट हम ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के इक्वल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए. ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हम ये वर्ड्स को मिक्स नहीं करते हैं कभी भी लिखते समय, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमेशा नहीं होगा वो, तो इसलिए हम पैरेललोग्राम जहाँ पर होता है हम पैरेललोग्राम वर्ड ही यूज़ करते हैं, और जहाँ पर ट्रेपेजियम यूज़ करना होता है वहाँ पर हम ट्रेपेजियम ही यूज़ करते हैं. मैम एक और क्वेश्चन है. हाँ जी. एक और क्वेश्चन है श्रद्धा का, वो पूछ रही है हाउ विल आई प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री. ओके, फॉर प्रूविंग द अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम supplementary, we can make use of the property that in an isosceles trapezium, जैसे isosceles triangle में होता है base angles equal होते हैं, वैसे ही isosceles trapezium में भी जो उसके base angles होंगे, जो भी side को हमने base लिया होगा वो equal होंगे. ठीक है, तो जो इसकी एक और property, उसमें दोनों side में जो base angles हैं वो equal हो जाएंगे. ठीक है ना, तो इनका question क्या था कि how can we prove that they are supplementary. Okay, the एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रेपेजियम इनके इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है कहीं पे, तो शी कैन सी दैट ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके अलावा जो नॉन पैरेलल साइड होती है, अगर उस नॉन पैरेलल साइड को हम ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं, तो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उसके, मतलब कि इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए सेम साइड वाले, बट शी इज टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट साइड. बट क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसलिए इसमें ये जो एंगल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये आपस में इक्वल होते हैं, तो हम उसको जो है उस एंगल की जगह पर, जो सपोज हमने इनको अगर वन और टू नेम किया था सेम साइड में जो एंगल्स थे, तो हम एंगल वन की जगह पर जो एंगल, अगर हम रोटेशन में चलते हैं तो एंगल फोर आएगा, उसको पुट कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल फोर देयर, तो अपने आप हमारे एंगल टू प्लस फोर 180 हो जाएगा, तो वो सप्लीमेंट्री होगा. इनको बेटर समझ में आएगा इफ शी ड्रॉज अ डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ करें जिसमें कि एक ट्रेपेजियम हो ए बी सी डी, और शी सेड दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो हम मान लेते हैं कि ए डी साइड जो है वो बी सी के इक्वल है. ऑलराइट श्रद्धा, सो ए डी साइड बी सी के इक्वल है, तो इसके जो बेस एंगल है दैट इज एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, या हम सिंपली बोलें तो हम कहेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी.
और हम यहाँ पर जो ऊपर एंगल्स होते हैं सिमिलरली एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी. नाउ जैसे मैं कह रही थी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, फाइन. तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा एंगल डी और ए है, एंगल ए प्लस एंगल डी विल कम आउट टू बी 180 डिग्री बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री आएगा. लेकिन एंगल ए जो है वो एंगल बी के भी इक्वल है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ पर एंगल ए को एंगल बी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं. सो नाउ वी कैन से एंगल ए प्लस डी 180 था, हमने ए की जगह पर बी लिख दिया तो एंगल बी प्लस डी 180 डिग्री हो गया. एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो गया. तो हो गया ऑपोजिट एंगल्स, बी और डी ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो फिर हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री. आई होप श्रद्धा आई एम एबल टू मेक इट क्लियर. यस मैम. मैम एक और लर्नर है दृष्टि फ्रॉम नोएडा, शी इज आस्किंग इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ पैरेललोग्राम. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यस. इन अ पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. उसका रीजन ये होता है कि पैरेललोग्राम में साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं. तो अगर हम पैरेलल साइड्स के अलावा जो दूसरी साइड है, अगर सपोज हमने एक पैरेललोग्राम लिया ए बी सी डी और मान लो हम पैरेलल साइड्स की बात कर रहे हैं ए बी और सी डी, ठीक है. तो फिर अगर हम ए डी को देखेंगे तो फिर वो ट्रांसवर्सल की तरह से हो जाता है वहाँ पर. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एंगल ए और एंगल डी, इंटीरियर एंगल्स जो हैं ए और डी, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन सी डी और ए बी और ट्रांसवर्सल डी ए के साथ बन रहे हैं. तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और हमको पता है ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी की वजह से कि द को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो इसलिए ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे ए और डी. इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि सी और बी भी सप्लीमेंट्री होंगे और ऐसे ही हम बाकी दो एंगल्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सारी साइड्स उसकी पैरेलल हैं ही. तो कोई भी दो पैरेलल साइड्स को लेकर और एक तीसरी साइड को ट्रांसवर्सल लेकर हम को इंटीरियर एंगल्स कंसिडर करके उसको सप्लीमेंट्री प्रूव कर सकते हैं एंगल्स को. सो आशा करते हैं लर्नर्स आपके सवालों के उत्तर मिल गए होंगे. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे. प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे मंजिल आने की ध्वनि सुने
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना ऐसा होता है तो फिर एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ए बी, ए बी सी और डी ए बी ये दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? यस, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ये दो पैरेलल साइड्स के साथ ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में एंगल्स बन रहे हैं और ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। या हम ये भी बोलते हैं कई बार कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो को इंटीरियर एंगल्स बोलो या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलो, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलो, सप्लीमेंट्री तो होते ही हैं, तो उनका सम जो है दैट बिकम्स 180 डिग्री। नाउ बिकॉज ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ए बी सी और डी ए बी, हमने प्रूफ किया था कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए थे, तो हमने कहा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो फिर इसलिए हम इसको किसी भी एक का ट्वाइस लिख सकते हैं, हम ए बी सी का ट्वाइस भी लिख equal to 180 degree. Now we can solve this. So we get DAB is equal to, अगर हम यहीं पर देखो इसको स्ट्राइक आउट करेंगे तो DAB is equal to 90 degree आ जाएगा, and ABC और DAB equal है तो ABC भी 90 degree हो गया। Now since both these angles are 90 degree, तो हमने शुरू में क्या किया था, हमने कहा था कि रेक्टेंगल इज अ parallelogram with one angle 90 degree. तो यहाँ तो हमने दो एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल है। तो ये ऐसा पैरेललोग्राम बन गया, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। सो चिन्मय, आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मैम एक और लर्नर है विप्लव, हाँ जी, उनका क्वेश्चन है मैम कि ये डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री देन डिटरमाइन एंगल बी। ओके, पहले तो विप्लव इज अ वेरी नाइस नेम, बहुत अच्छा सा, बहुत नेचर से के पास वाला नाम है, इट्स अ वेरी गुड नेम। And secondly, his question is like there is a quadrilateral in which the diagonals are bisecting. तो हमने पहले भी जब properties की थी parallelogram की तो हमने कहा था कि अगर diagonals bisect करते हैं किसी quadrilateral के तो हम बोल सकते हैं कि this is a parallelogram, ठीक है। तो यहाँ पर given है कि diagonals जो हैं वो bisect कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बोला है वो पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। हम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर कि सिंस द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 50 डिग्री है, पैरेललोग्राम की अगर हमको प्रॉपर्टीज पता होती हैं तो अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा कुछ दिया होता है, एक एंगल भी दिया होता है, तो हम सारे एंगल्स ईजिली निकाल सकते हैं। देखो एक तो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो उसके अपोजिट क्या होगा, सी, है ना। ए बी सी डी में ए के ऑपोजिट सी होगा तो सी भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। ये दो एंगल्स तो पता हो गए अब हमें, अब बाकी के दो एंगल्स बचे हैं। तो अब जो एंगल ए के साथ में, चाहे बी ए को ले लो चाहे डी को ले लो, अगर सपोज हम डी को लेते हैं तो एंगल डी और एंगल बी, क्योंकि हमने कहा है ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर अगेन जो हम ये को इंटीरियर एंगल की बार बार बात कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी यहाँ पर
लगेगी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल. अगर इन्होंने कहीं पे ड्रॉ करके रखा है तो इनको इजी रहेगा समझने में, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल. तो फिर एंगल ए तो 50 डिग्री है, तो दूसरा एंगल इन दोनों का सम, जो इंटीरियर एंगल होंगे ए और डी, इनका सम 180 डिग्री होगा. को इंटीरियर एंगल्स हैं, या हम ऐसे भी कहते हैं कि पैरेललोग्राम में दो कंसेक्यूटिव जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो अगर एक 50 डिग्री है, सम 180 होना चाहिए, तो दूसरा एंगल विल बी 130 डिग्री. ठीक है, तो अगर एंगल डी 130 डिग्री हो जाता है तो एंगल बी तो डी का ऑपोजिट एंगल है तो वो उसके इक्वल होगा, तो वो भी 130 डिग्री हो जाएगा. तो फिर द एंगल्स आर एंगल ए इज 50 डिग्री, एंगल बी इज 130 डिग्री, एंगल सी इज 50 डिग्री, एंगल डी इज 130 डिग्री. विप्लव, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. सो वी कैन प्रोसीड फर्दर. One more question is coming from Charu from Madhya Pradesh. जी. She is asking if the diagonals of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral bisects each other at right angle, then it is a rhombus. If the diagonals of a quadrilateral, they bisect each other at right angle, it is a rhombus. Yeah. Yes, it is a rhombus. Of course, it is a rhombus. Because diagonals, both the diagonals are bisecting each other. Therefore, we can say it is a rhombus. अगर सिर्फ एक कर रहा होता, एक को bisect कर रहा होता, तो फिर वो kite बन जाता उस केस में. ठीक है, तो हमने rhombus की properties में भी किया था कि the diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. तो they bisect each other at 90 degree. और अगर diagonals bisect कर रहे हैं 90 degree में, तो फिर वो rhombus होगा. I hope that answers Charu's question. Okay, ma'am. So we can proceed further here now. So next we come to the midpoint theorem. So according to the midpoint theorem, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. That means if ABC is a triangle, E is the midpoint of this side, and F is the midpoint of AC. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC and we join EF, then we can say that EF is parallel to BC. BC is the third side here. So if we join EF, we can say EF is parallel to BC. This is what the theorem states. Ye theorem ka aadha hi part hai. Theorem mein aage ye bhi hoga ki EF is half of BC. So the complete theorem is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. ये two sides तो ये हो गए, इनकी बात हमने की. अब third side क्या, जो बची हुई side रह गई थी BC, तो उसके वो parallel होगी और उसके half भी होगी वो. ठीक है, तो AB का midpoint का मतलब है कि जो उसको दो equal parts में divide करता है. तो E midpoint है वो AE और EB दो equal parts बना रहे हैं. Similarly यहाँ पर F midpoint है वो AF और FC दो equal parts बनाता है. तो जो मिड पॉइंट्स होते हैं कोई भी दो साइड के ट्राइंगल के, अगर उन दो पॉइंट्स को, मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, कंडीशन ये है कि वो मिड पॉइंट्स होने चाहिए. तो अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट हमको मिलती है ई एफ, दैट विल बी पैरेलल टू बी सी. वो बी सी के पैरेलल होगी जो थर्ड साइड थी ट्राइंगल की, और उसके हाफ भी होगी. सो इट्स गिवन दैट ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ए बी एंड ए सी, एंड वी हैव टू show that, or the theorem states that EF is parallel to BC and EF is half of BC. So इसको प्रूफ करने के लिए, जनरली इसका प्रूफ जो है सिलेबस में नहीं रहता है, बट अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड करके प्रूफ कर सकते हैं कि हम EF को एक्सटेंड करते हैं आगे. वी ड्रॉ दिस लाइन फर्दर और यहाँ पर जो है C से वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू AB, द साइड AB. तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB साइड के पैरेलल हो, और दोनों आपस में ये जो ई एफ एक्सटेंडेड थी और जो ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है, दे मीट एट अ पॉइंट, लेट्स वी कॉल दैट पॉइंट एज डी, ऐसे कर लेते हैं. और फिर उसके बाद हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और फिर उसके बाद मतलब सी पी सी टी से वी कैन से दैट दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, और फिर ये पैरेललोग्राम हम प्रूफ करेंगे. पैरेललोग्राम हो जाता है तो फिर
ये साइड पूरी इस साइड के इक्वल होती है और ये पार्ट्स हम जब अगर सीपीसीटी से वहाँ पर इक्वल किया था हमने प्रूफ, तो ये हाफ हो जाता है. और क्योंकि इसको अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाते हैं तो फिर वी कैन से दैट ईएफ इज पैरेलल टू बीसी. सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ तो आई एम नॉट इसके बहुत ज़्यादा उसमें जा नहीं रहे हैं, इसको बहुत डिटेल में या मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे. तो इट इज़ लाइक द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है जो कंक्लूजन है या मिड पॉइंट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में ये काम आती है चीज़ें, दोनों चीज़ें इसका जो है कि अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो इसकी पैरेलल भी होगी थर्ड साइड की और उसके हाफ भी होगी. Then converse of midpoint theorem is equally important, and the converse of the theorem states that the line through the midpoint of one side of a triangle. कि यहाँ पर क्या है कि एक साइड के midpoint से पास करे और condition क्या है वो parallel हो third side के, तो जो ये दूसरी side है remaining side है उसको जो है वो उसके भी midpoint से ही वो pass करेगी. So line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Fine. तो जो थ्योरम थी बेसिक जो मिड पॉइंट थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं दो साइड के तो जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड की हाफ होती है. पर यहाँ पर जो है जो कन्वर्स है उसमें हमने सिर्फ एक साइड के मिड पॉइंट से पास किया है उसको लाइन को और हमने कहा है कि द लाइन इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड और बी सी. अगर ऐसा होता है सिर्फ मिड पॉइंट से पास करती है और बी सी के पैरेलल होती है तो फिर वो जो ए सी है उसके भी मिड पॉइंट से पास करेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं, और वी कैन सिंपली से दैट इट बाइसेक्स ए सी. सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अगेन इसको भी उसी तरह से हम करते हैं प्रूफ, बट क्योंकि सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है सो वी आर नॉट गोइंग फॉर इट. नाउ द नेक्स्ट मैम बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक द लर्नर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इज हैव जॉइंड इट एंड सो मेनी लर्नर्स आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. So it will be better that we can take some question, then we will move to the next topic. Okay, sir. One of the learner, he is Mr. Saji from Kerala. Saji. He is asking, find the measure of all angles of a parallelogram. Mm-hmm. If one angle is 24 degree less than twice the smallest angle. ओके पहली चीज़ तो है कि इट्स गिवन दैट इट्स अ पैरेललोग्राम राइट एंड ही वांट्स अस टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. और दूसरी कंडीशन तो दूसरी चीज़ दी हुई है वो दिया है कि वन एंगल इज 24 लेस देन टू टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल. यस है ना. ही सेज दैट वन एंगल सपोज देर इज वन स्मॉलेस्ट एंगल और हम स्मॉलेस्ट एंगल को मान लेते हैं x, ठीक है. तो वो कहते हैं कि जो दूसरा एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल के 2 टाइम्स से 24 कम है. यही क्वेश्चन था ना सर. यस इट इज 24 लेस देन 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल. तो सपोज हम एक एंगल को लेते हैं x जैसे कि मैंने भी बोला, तो दूसरा एंगल हो जाएगा 2x माइनस 24. और पैरेललोग्राम में हमारे क्या होता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दो ही तरह के एंगल्स हमारे पास होते हैं, तो दो ही वैल्यूज होती हैं और वही मतलब आपस में क्योंकि इक्वल हैं तो चार में हो जाती हैं, उससे हमको बाकी दो वैल्यूज मिल जाती हैं. तो हियर वन एंगल इज एक्स एंड द अदर इज 2x माइनस 24. तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं. एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम बोलते हैं कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो हम इनको एक्स प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 180 डिग्री इसको सॉल्व करके कर सकते हैं. और किसी को अगर ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है तो ये प्रॉपर्टी सबको याद होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. तो वहाँ पर फिर हम कर सकते हैं इनको हर एक को दो दो बार लिखें एक्स प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 24 प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 360. बट जो कन्वीनियंट और ईजियर मेथड होता है वो जो हम ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं और हम कहते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या हम ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम के कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो ज़्यादा इजी रहता है, कैलकुलेशंस भी उसमें कम होती हैं. तो यहाँ पर क्या है एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल हमने कहा 2x माइनस 24 है. हमने कहा कि लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स एंड द अदर एंगल विल बी 2x माइनस 24. तो हम लिखते हैं एक्स प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री. That makes it 3x minus 24 is equal to 180 degree.
अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. लीनियर इक्वेशन है ये, 3x - 24 = 180 डिग्री. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वील गेट 3x = 204. और फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 204 को 3 से डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एज 68 डिग्री, राइट. तो x की वैल्यू 68 डिग्री आ जाएगी. तो एक बार x की वैल्यू आ जाती है तो फिर हमारे दो एंगल्स तो निकल गए, 68 और 68. अब एक और जो एंगल था, थर्ड एंगल, उसके लिए हम 2x - 24 हमने कहा था वो एंगल है. तो 2x 68 है, तो 2 × 68 - 24 करेंगे. तो 2 × 68 विल बी 136 एंड देन -24. सो 136 - 24 करके हम कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करके इसको करके कर सकते हैं. हम सिंपली ये भी कर सकते थे, हमको पता था कि दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से 68 को माइनस कर दो तो हमारा 112 डिग्री वैसे ही आ जाता एंगल, है ना. वो भी एक सिंपल तरीका था करने का. या किसी को वैल्यू पुट करके करना है तो वो 136 - 24 करके कर सकता है, तो फिर यहाँ पे भी जो है 112 डिग्री आंसर आ जाएगा. तो जिस भी मेथड से इजी लगता है उससे कर सकते हैं. बट द थिंग इज, अगर एक एंगल x है तो दूसरा 2x - 24 होगा. इनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है इस क्वेश्चन में. मैम एक और एक और लर्नर है. हाँ जी सर. शी इज आस्किंग प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल. ओके, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे फॉर्म अ रेक्टेंगल. तो हम मान लेते हैं कि हमारे पैरेललोग्राम का नाम है ABCD, राइट. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, सपोज सारे एंगल्स की अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो इसके केस में ना थोड़ा सा जो डायग्राम बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चंस में, इसमें जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनको इस तरह से ड्रॉ करना है कि लाइक सपोज अगर ए से एक एंगल बाइसेक्टर जाता है और बी से एक एंगल बाइसेक्टर जाता है, तो जहाँ पर वो मीट करेंगे तो ऑब्वियसली एक ट्राइंगल फॉर्म होगा. तो मैं उस ट्राइंगल का मीटिंग पॉइंट का नाम लेट से ई रख देती हूँ, वो ई हो गया. सिमिलरली सी और डी से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, मतलब वहाँ से जब हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका जो थर्ड वर्टेक्स है, एक तो डी और सी तो है ही, उसका नाम हम एफ रख देते हैं, मतलब जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे. तो और ई और एफ तो हो गए ये, और बीच में जो है ना, अगर ये फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो दे विल फाइंड दैट एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, और हमको उसी को प्रूव करना है कि इट्स अ रेक्टेंगल, है ना. यही कहा था ना, एंगल बाइसेक्टर्स दे फॉर्म अ रेक्टेंगल. Yes, ma'am. हाँ जी, तो उसको रेक्टेंगल फॉर्म करना है. तो ई एफ दो अपोजिट वर्टिसेस उसके हो गए थे, हम एम एन कुछ भी नेम रख देते हैं बाकी दो वर्टिसेस का. तो अब एम एफ एन ई करके हमारा एक बीच में रेक्टेंगल मतलब कि क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. रेक्टेंगल तो हम प्रूव करेंगे उसको. नाउ व्हाट वी डू, वी नो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, जो बेसिक हमारी सिंपल स्टार्टिंग की फिगर थी उस पर आते हैं वापस. तो उसमें क्या होता है, कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल ए प्लस एंगल बी, जो पूरा ओरिजिनल एंगल ए था, मतलब कि डी ए बी और सी बी ए, इनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है. तो क्या होगा, अब इसने बोला है हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, तो दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं इन दोनों एंगल्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे. तो दोनों साइड के एंगल्स का अगर हम हाफ लेते हैं, तो हाफ इस साइड से और हाफ उस साइड से अगर हम लेंगे, तो 180 का हाफ हो जाएगा ये, है ना. ए प्लस बी वॉज 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी वॉज 180 डिग्री. तो अगर हम थ्रू आउट टू से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब कि हाफ हो गया एंगल ए का, हाफ हो गया एंगल बी का, और 180 का भी हाफ हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा. तो इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ गया. अब हमने यहाँ पर जो ट्राइंगल बनाया था ई ए बी, उसमें जो अंदर के एंगल्स थे एंगल ई ए बी और एंगल ई बी ए, इनका सम तो हो गया 90 डिग्री. तो अब जो थर्ड एंगल है उसका, वो भी जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल स्टेट्स दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो ये दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल भी 90 होना चाहिए, तभी तो सम 180 आएगा ना. तो एंगल ई जो है वो 90 डिग्री हो जाता है. इसी तरह से दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से, डी सी एफ जहाँ से बन रहा था, हम एंगल एफ को भी जो है 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं. ऐसे ही करके कि ये जो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है, फिर हम दोनों एंगल्स का, क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, हाफ हाफ लेंगे, वो दोनों 90 हो जाएंगे, तो थर्ड एंगल 90 हो जाएगा. इस तरह से करके कर सकते हैं. ये दो एंगल्स हमारे ई और एफ जो था, अब जो अंदर रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसको हम, उसके दो एंगल्स जो है हमारे 90 डिग्री ईच हो गए.
अब उस कोऑर्डिनेटर के बारे में हमको कुछ और नहीं पता है, तो अगर हम चाहते हैं तो हमने इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी ई, तो हमने ई को 90 प्रूव किया, तो सिमिलरली एफ इज ऑल्सो 90 लिख सकते थे. अब हम दूसरी साइड से आते हैं जहाँ पर बी सी, बी और एंगल सी को लेते हैं, तो एंगल बी और एंगल सी के हाफ्स का सम भी जो है 90 ही होगा, क्योंकि इस दोनों का मिलाकर सम 180 है. तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा, अगर आपने जैसे मैंने बोला था वैसे डायग्राम ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी एन सी बी. तो एन सी बी में हाफ एंगल सी हाफ एंगल बी 90 है, तो एंगल एन भी 90 होगा. और अब एंगल एन 90 है, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होगा वो जो हमारा अंदर जिसको हमने रेक्टेंगल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं उसका वाला एंगल होगा, वो उसका इंटीरियर एंगल होगा. ई और एफ के अलावा जो एन एंगल था वहाँ पर वो होगा. तो अगर ये एंगल 90 है हमारा सी एन बी, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ई एन एफ भी 90 होगा. तो इस तरह से हमने तीन एंगल्स 90 कर दिए. जो फोर्थ एंगल था इसका अंदर वाले फिगर का जिसको रेक्टेंगल बना रहे हैं हम, वो एंगल भी सिमिलरली 90 हो जाएगा. तो चारों एंगल्स उसके 90 हो गए, तो फिर इट्स अ रेक्टेंगल. इसको थोड़ा सा जो है मतलब अगर इन्होंने डायग्राम ड्रॉ किया होगा, फिगर ड्रॉ किया होगा मेरे बोलने के साथ साथ, तो इनको समझ आ गया होगा. अदरवाइज थोड़ा सा इस तरह से इसको समझना जो है डिफिकल्ट है. बट आई रिपीट अगेन, जो यहाँ पर ये यूज करेंगे दैट शी विल मेक यूज ऑफ द थिंग. फर्स्ट थिंग इज दैट दी कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स उनका एंगल, उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. और क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, तो उसके बाद जो पोर्शंस रह जाएंगे उनका सम जो है 90 डिग्री आएगा, 180 का हाफ हो जाएगा. और जो थर्ड एंगल है जो हमने, अगर हमने ट्राइंगल यहाँ पर लिया है ई ए बी, तो थर्ड एंगल एंगल ई जो है वो 90 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ऐसे ही दूसरी साइड में करेंगे, और इसी तरह से बाकी दो एंगल्स को भी हम 90-90 प्रूव करेंगे. आई होप दैट सेटल्स द क्वेश्चन, दैट सेटल्स द क्वेरी. मैम एक और लर्नर है अन्वेषा दिल्ली से, एंड सी इज आस्किंग इफ द ट्रायंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज अ स्क्वायर. यस इट इज अ स्क्वायर. देन इट इज अ स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स स्क्वायर में जो है ना जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी स्क्वायर के अंदर फिट हो जाती हैं. उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दे मीट एट 90 डिग्री, सारे एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं. तो स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें कि ये जितनी सारी प्रॉपर्टीज है ना जो भी हम पैरेललोग्राम्स के बारे में कर रहे हैं वो सारी की सारी उसमें फिट होती होती हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है. उसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो है उसमें आ जाती हैं. इसलिए कहीं पर अगर स्क्वायर गिवन होता है तो वहाँ पे भी जो है क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमको पता है कि इनडायरेक्टली वो गिवन होती हैं. जी सर. मैम आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर से एक लर्नर जानना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी सी अभी भी ये हो रहा है क्लियर नहीं हुआ है. वो पूछ रहे हैं कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस. आपने पहले भी लिया लेकिन एक बार और समझा दीजिए. क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था. हाँ, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन ऑफ कोर्स इट इज अ रोम्बस. इन लोग इससे डाउट होता है कई लोगों को, क्योंकि लगता है कि स्क्वायर में भी ऐसे ही हो रहा है और रोम्बस में भी ऐसे ही हो रहा है. स्क्वायर एक्चुअली क्या है, स्क्वायर वी कैन से स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस. एक स्पेशल टाइप है रोम्बस का स्क्वायर. तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वी कैन से दैट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट वी कैनॉट से दैट एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर. ठीक है, अगर डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री पर मीट करते हैं और इक्वल होते हैं, तो वी कैन से दैट इट इज a square, we can say that it is a rhombus. I hope that settles the question. Yes, ma'am. Query. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So we are proceeding further? Yes, ma'am. Okay. So the next thing that we are going to take is the transversal and the intercepts made by the transversal. So ट्रांसवर्सल हम सबको पता है कि इट इज़ अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स. ठीक है, अगर सपोज एल एक लाइन है, एम एक लाइन है और उसको एन एक लाइन वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं. क्या होता है कि टू और मोर लाइन्स, कंडीशन इज टू और मोर लाइन्स. अगर एक ही लाइन को करेगी तो फिर तो दोनों में एक जैसे हो गए, मतलब दोनों में एक ही बात है. तो टू और मोर लाइन्स को करना चाहिए, एल एम दो लाइन्स को. यहाँ पर जैसे एन इंटरसेक्ट कर रही है तो हम इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. And the line segment cut off from the transversal by a pair of lines is called the intercept.
अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये ट्रांसवर्सल था n, इसमें x पे l ने इसको इंटरसेक्ट किया और y पर जो है m लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया, तो अब ये जो पीस बन गया यहाँ पर एक्स वाई पीस जो आ गया हमारे पास इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये पीस किसका है, ट्रांसवर्सल n का है, इस लाइन n का ये पीस है, इसका ये लाइन सेगमेंट है इसमें से निकला हुआ, तो दिस लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। ठीक है, l और m दो पैरेलल लाइंस थी और n जो है एक लाइन थी, तो एक्स वाई जो है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। अच्छा, एक चीज़ ट्रांसवर्सल के लिए ज़रूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल हो, कोई भी दो लाइंस हो या उससे ज़्यादा लाइंस हो, अगर उनको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और उन दो लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल का पीस कटा हुआ रह जाता है, द लाइन सेगमेंट दैट इज देयर एक्स वाई इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। सो हियर एक्स वाई इज द इंटरसेप्ट एंड इट इज मेड बाय द ट्रांसवर्सल, मेड बाय द लाइंस एल एंड एम ऑन द ट्रांसवर्सल एन। सो इफ there are three parallel lines and they are intersected by a transversal, there will be two intercepts. है ना, वहाँ पर दो parallel lines थी L और M, तो हमारे पास एक ही intercept आया था, वहाँ पर एक्स वाई था वो। अब यहाँ पर हमारे पास तीन parallel lines हैं, तो हमारे पास ये दो intercepts बन गए, एक ए बी बन गया और एक बी सी बन गया intercept. Now, अगर suppose हमारे पास L, M, N तीन parallel lines हैं और दो transversals हैं P और Q, ठीक है, और जो है ये जब इनको कट करते हैं तो हमारे पास इंटरसेप्ट्स आते हैं ए बी एंड बी सी, ये इंटरसेप्ट्स आए हैं पी पर और क्यू पर इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं डी ई और ई एफ। एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स पी क्यू सच दैट पी एंड क्यू सच दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी बी सी ऑन पी। ठीक है, और ए बी और बी सी जो है इट्स गिवन दैट दे आर इक्वल इंटरसेप्ट्स, ये दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल लेंथ में है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। Then we have to show that L, M and N, ये जो तीन parallel lines थी, ये Q पर भी जो intercepts cut करेंगी, they will also be equal in length. That means we have to prove that DE is equal to EF. Now यहाँ पर जो है we make use of midpoint theorem for proving this. तो उसमें एक छोटी सी construction करते हैं यहाँ पर, we join AF and then in triangle ACF, हम देखते हैं ये क्योंकि दोनों intercepts equal थे तो AB is equal to BC यहाँ पर, तो B इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और ये लाइन पैरेलल तो थी ही, एम एन पैरेलल है, गिवन था क्वेश्चन में कि थ्री पैरेलल लाइंस एल एम एंड एन। सो ये पैरेलल लाइंस हैं और ये दो पोर्शंस इक्वल हैं, दैट मींस B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो इन ट्राइंगल ABC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BG इज पैरेलल, सो दैट मींस G शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ AF आल्सो। तो G AF का मिड पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है रिवर्स कर लेते हैं और दूसरी साइड में देखते हैं। हमने यहाँ पे कर लिया जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एफ, यहाँ तक प्रूफ कर लिया। अब दूसरी साइड में अगर हम इसको लेते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं एफ ए डी, इसमें जी इज द मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दोनों पोर्शन इक्वल है, ये लाइन पैरेलल है गिवन है, तो इसका मतलब जी ई इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, और जी मिड पॉइंट था, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अ लाइन विच इज parallel which passes through the midpoint of one side of a triangle and is parallel to the second side bisects the third side ko to equal parts mein divide karti hai, to iska matlab ef will be equal to de. So we can say lmn cut off equal intercepts on q also. Agar lmn equal intercepts cut off karte hain ek transversal par, so they will cut off equal intercepts on the other transversal also. Excuse me ma'am. Ji sir. Ma'am, समय के अभाव के कारण वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, सो वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लर्नर है चारू, सी इज आस्किंग काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट, कटिंग टू लाइंस इज ए इंटरसेप्ट। यस, व्हेन टू लाइंस कट अ ट्रांसवर्सल द पीस दैट इज फॉर्म इन बिटवीन इज कॉल्ड अ इंटरसेप्ट। यहाँ पर देखो चारों, ये लाइन L थी और ये लाइन M है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, N ने इसको इनको कट किया, तो जब N इनको कट कर रहा था तो N को भी, L लाइन को भी इन्होंने कट किया, L ने भी कट कर दिया उसको और M ने भी कट कर दिया, तो L ने कहाँ पर कट किया, उसको X पॉइंट पर कट किया और M ने उसको Y पॉइंट पर कट किया, तो अब जो ये पीस बचा बीच में एक्स वाई, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये पीस है उसका ट्रांसवर्सल का जो कि इन दो लाइंस के बीच में रह गया,
दैट कट ऑफ पीस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट. ठीक है ना, ट्रांसवर्सल का पीस है ये, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन, एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट. सो द लाइन सेगमेंट जो इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड रह गया या कट रह गया, दैट पीस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. आई होप दैट आंसर्स अ क्वेरी. यस. सो मैम, ड्यू टू दिस टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव टू वाइंड अप द क्लास, और आई होप लर्नर्स यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास, और हम आशा करते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे.